हेलो चो, आइए इस पर सवाल करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि यदि फोटोन की ऊर्जा इतनी हमारे पास दी है जूल पर एटम, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आपको यहाँ पे ये बताना है। अब क्वेश्चन बच्चों, आपके पास ऊर्जा दी हुई है, आपको यहाँ पे तरंग दैर्ध्य बताना है। ऑप्शन आपके पास बच्चों NM मतलब नैनोमीटर में आपको यहाँ पे बताना है। अब ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मतलब फोटोन, देखो एक फोटोन के लिए बच्चों आप यहाँ पे Hcλ आप यहाँ पे ये यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आपके पास करना क्या है बच्चों कि देखो हमारे पास एनर्जी आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, जो कि आपके पास 3.303 × 10⁻¹⁹ दी हुई थी। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चों, जिसकी वैल्यू आप आई होप आपको याद हो गया होगा बच्चों, 6.62 × 10⁻¾ के आसपास होता है। ये 6.62 × 10⁻¹⁴ आपके पास हो जाएगा। सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपको पता है बच्चों, 3 × 10⁸ आपके पास हुआ करता है। वेवलेंथ आपको यहाँ पे निकालना था, तो बस आप ये। अब होता क्या बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको सिचुएशन को पैनिक हो जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आपको बस साइंटिफिक नोटेशन को एडजस्ट करोगे बच्चों, तो भी आपके पास ये आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करके आंसर लाने की जरूरत नहीं होती है। अब आप इसको अरेंज करोगे तो लेमडा इज इक्वल टू, देखो आपका ये 6.62 बनेगा, इंटू 3 बनेगा, 10⁻¹⁴ को आप 8 से जब ऐड करोगे तो 10⁻ ये आपका −26 हो गया होगा। और नीचे डिवाइड में आपके पास 3.3, इसको मैं राउंड फिगर करके 3.3 ले लेता हूँ, और 10⁻¹⁹ इसको मैं कर लेता हूँ। −19 ऊपर जाएगा तो +19 बनेगा, तो ये 10⁻ हो जाएगा। और 3.3 इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये 2 के आसपास आएगा, और 2 × 3 करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 आ रहा होता, और 10⁻ ये −19 ऊपर जाएगा, 10⁻¹ बन गया, तो इतना आपके पास आता। अब आप इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, हमें आंसर नैनोमीटर में लाना है। ये जो आपका आंसर आएगा बच्चों ये मीटर में आएगा। मीटर में क्यों आया होगा? क्योंकि आपने यूनिट ज़्यादातर यहाँ पे SI ही ली है। आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जूल भी आपका SI हो जाता है, तो आपका ये मीटर SI में ही आया होगा। एक मीट नैनोमीटर में आपके पास क्या होता है बच्चों, 10⁻¹⁹ मीटर होता है। तो मुझे इसको 10⁻¹⁹ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेसिमल यहाँ पे रहा होगा। अगर मैं दो नंबर शिफ्ट करूँ तब आपके पास ये 10⁻¹⁹ बन सकता है, तब आपके पास आंसर 600 नैनोमीटर के नियर अबाउट आएगा। अब मैंने ये राउंड फिगर करके सॉल्व करने की कोशिश की है बच्चों, आप अपने ऑप्शन में देख सकते हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 600 के आसपास है नैनोमीटर में, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, तो वही आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब आपने अगर इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोशिश की होगी बच्चों, तो आपने बहुत टाइम कंज्यूम किया होगा। आप 600 के आसपास ले आए तो यही आपका सही जवाब, क्योंकि बाकी वैल्यू तो बहुत छोटी है उसके कंपेरिजन में। आप एग्जैक्ट सॉल्व करने जाते, जैसे मैं यहाँ पे 3.3 को 6.6 से एग्जैक्ट सॉल्व करता, तब हो सकता है ये मेरी वैल्यू 654 भी आ जाती। पर आई होप आप इसका लॉजिक समझ रहे हो बच्चों। बहुत सारे JEE और NEET के क्वेश्चंस बच्चों आपकी इसी तरह से सॉल्व होते हैं। अगर आप पूरा करने की कोशिश करोगे ये चीज़ें एग्जैक्ट निकालने में, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। थैंक यू।